उज्जैन के रेलवे स्टेशन देवास गेट बस स्टैंड क्षेत्र में प्रतिदिन भोजन वितरण जरूरतमंद लोगों के लिए किया जा रहा है, ताकि वह भूखे ना रहे और वह भूखे रहकर रात ना गुजारे। उसी को लेकर विनोद यादव और उनके साथियों के द्वारा पिछले एक महीने से निरंतर लॉकडाउन में जरूरतमंद निराश्रित गरीब परिवार जनों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है और प्रतिदिन भोजन वितरण किया जा रहा है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और भोजन करते हैं। जहां इस समय लॉकडाउन में काम धंधे व्यापार व्यवसाय सब बंद है और जो लोग मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करते थे उनके काम धंधे बंद है और वह भुखमरी की कगार पर हैं। ऐसे परिवार के लोगों की समस्या परेशानी को देखा समझा और जाना और फिर करीब एक महीने से प्रतिदिन भोजन वितरण शुरू किया, जहां बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग पहुंचते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। विगत एक माह जब से ये लॉकडाउन लगा हुआ है, विनोद यादव जी, काबरा जी और इनकी पूरी मंडली के द्वारा सतत रूप से ये सेवा दी जा रही है। और सबसे बड़ी विशेष बात जो मैंने आज यहाँ आकर देखी, ऐसा भोजन जो विवाह आदि और बड़े उपलक्ष्यों में किया जाता है, पूरी रस मटर की सब्जी, ऐसा भोजन कराया जा रहा है जो जरूरतमंदों को जिसकी आवश्यकता भर पेट, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहे और इस कोरोना महामारी से वो सुरक्षित रहें, ऐसा भोजन इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से प्रशंसनीय विधायक जी, जरूरतमंद को भोजन कराया जा रहा है, जरूरतमंदों की मदद की जा रही है, किस प्रकार से यह एक अच्छा काम है और किस प्रकार से क्या है? नर सेवा नारायण सेवा और सबसे बड़ा अन्नदान महादान मुक्तेश्वर परिवार और हमारे बड़े भाई विनोद यादव जी के द्वारा और पूरी परिवार है लगा हुआ है, तो सब मिलके सब कार्य कर रहे हैं, ये तो सब मिलके सहयोग भी कर रहा है, उसमें सबके सहयोग से चल रहा है, पूरे ग्रुप के सहयोग से। सेवा और सबसे बड़ा अन्नदान महादान मुक्तेश्वर परिवार और हमारे बड़े भाई विनोद यादव जी के द्वारा और पूरी गुरु कप्तान और पूरे हमारे पूरे परिवार के द्वारा पिछले एक माह से वो लगातार, मैं तो पिछले 25 वर्ष से छात्र जीवन से आपसे जुड़ा हूँ गोपाल भैया कारण भैया से, तो हमेशा सेवा कार्य में परिवार और उसके ऊपर ग्रुप परिवार हमेशा आगे रहा। और ऐसे समय में आदरणीय गुरुदेव ने जैसा बताया, इस महामारी में परिवार जन एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे समय में आप देख रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि लाइन इस तरह लगी हुई है और ऐसे समय भोजन की व्यवस्था करना लगातार विगत एक माह से, तो मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो आदरणीय विनोद झा और पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ। और आज गुरु कप्तान जी का जन्मदिन है, तो आज विशेष यहाँ रोज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ इतिश्री कर लेते हैं, सिर्फ औपचारिकता पूरी करके आज आम रस है, पूरी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।